आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। संख्या दी गई 3:243, समानुपात 5:5 प्रश्न चिन्ह है, तो हमें बताना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह हमारी कौन सी संख्या आएगी। तो हमें पहला विकल्प दिया गया 125, दूसरा विकल्प दिया गया 625, तीसरा विकल्प दिया गया 3025 और चौथा विकल्प दिया गया हमें 3125। तो सबसे पहले हम संख्या लिखते हैं, तो 3:243 समानुपात 5:5 प्रश्न चिन्ह है, तो हम प्रश्न चिन्ह की जगह ऐसी संख्या लिखेंगे ताकि हमारे समानुपात के बाद वाली दोनों संख्याएं और समानुपात से पहले वाली दोनों संख्याओं के मध्य जो आपस में संबंध है वो समान बना रहे। तो हम समानुपात से पहले वाली संख्याओं में संबंध देखते हैं, तो हमारे समानुपात से पहले जो पहली संख्या है वो है हमारी 3। 3 को हम आपस में 5 बार गुणा करते हैं, तो देखो भाई 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से 27, 27 को 9 से किया 81, 81 को 3 से करेंगे 243, जो कि हमारा दूसरी संख्या के बराबर प्राप्त होता है। इसी तरह हम समानुपात के बाद भी यही संबंध लगाएंगे, तो पहली संख्या हमारी समानुपात 5 है, तो इसको भी हम आपस में 5 बार गुणा करेंगे। तो देखो 5 बार गुणा करेंगे, 5 को 5 से किया 25, 25 को 5 से किया 125, 125 को 5 से गुणा करेंगे 625, 625 को 5 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3125। तो हमारे प्रश्न चिन्ह की जगह संख्या आएगी 3125, जो कि हमारे विकल्प नंबर 4 में स्थित है। ये हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।